टाइम इज अबाउट 10:01 और मार्केट कैप डाउन खोली और उसके बाद सेलिंग आ रही है, राइट। अब हम प्रीवियस डे लो के आसपास सपोर्ट ले रहे हैं जहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती दिख रही है। करंटली वर सेटिंग एट 1 पॉइंट इन प्रॉफिट। एक बार को 2 पॉइंट का लॉस जा चुका है, दैट इज अबाउट 4-5 थाउजेंड, बट उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा और इतनी प्रॉब्लम आई नहीं इस मूव के अंदर। बट अगर आप देखो इनफैक्ट, तो मैं अभी शिफ्ट करता हूँ 800 क्वांटिटी ये वाली है वो इस पे, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है जो कि प्रीवियस डे लो है, ठीक है। अब ये टूटेगा तो ही वो पुट बंद होगी, वरना क्योंकि मेरा व्यू पहले ये था कि 400 भी नहीं टूटेगा, बट 400 टूटा और अब हम कंसोलिडेट कर रहे हैं इस रेंज के अंदर, ठीक है। तो प्रीवियस कैंडल के अंदर है अभी हम, तो देखते हैं क्या होता है। करंटली वेर एट 1 पॉइंट, मतलब ब्रेक इवन समझ लो, ठीक है। बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी होगा। टाइम इज अबाउट 10:33 और एज यू कैन सी दैट व्यू वर्कड आउट, वहाँ से मार्केट होल्ड कर गई। और अगर नहीं करी होती तो मेरे को पता है कोई ना कोई ज़रूर लिखता कि भाई डाउन ट्रेंड में थी, क्या कर रहे हो, ये वही हो। कर गई तो कोई कहेगा यार आप तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हो। तो इट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग हाई प्रोबेबिलिटी बैट्स, ठीक है। हमारे को पता है वो प्रीवियस डे लो है, वहाँ से सपोर्ट आ सकता है, प्रीमियम पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रिस्क मैनेज कर लिया, ट्रेड ले सकते हो आप, भले ही गलत हो जाए कुछ नहीं होता। सही गया तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, नहीं गया सही तो छोटा सा हिट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब मार्केट थोड़ा सा बाउंस लिया, बट अभी यहाँ से मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है अप मूव की, साइडवेज ही दिख रही है मार्केट, ठीक है। तो पोजिशन को छेड़ेंगे नहीं, ऐसे की ऐसे चल रही है। बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी कुछ। टाइम इज अबाउट 11:35 और करंटली इंट्राडे चल रहा है अराउंड 14,000 के आसपास, राइट। तो ये वाला जो रिस्क था इसने बहुत हेल्प करी और अब एक थोड़ा सा टफ डिसीजन है मेरे पास। देखो मार्केट गैप डाउन खुल के साइडवेज हुई है, राइट। मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है और एक रेंज में है। प्रीवियस डे लो डेफिनेटली बचा है, तो क्वेश्चन है कि मेरे पास एक ये पोजिशनल ट्रेड है, ठीक है। इसमें 8,900-800 रुपये बन रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा फंसेगा, फंस सकता है, यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है। 600 तो बहुत ही रेयर प्रोबेबिलिटी लग रही है, बहुत बड़ी शॉर्ट कवरेंज है। मेरा मन है 450 के आसपास फंस जाए, मगर 450 जो फंसने के चांसेस हैं वो हाई है और मगर कम भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि बायर्स ने आज कंट्रोल नहीं ले रखा, कंट्रोल सेलर्स ने ले रखा है। हो सकता है हम यहीं एक्सपायर हो जाएं, 400 पे एक्सपायर हो, तो अगर मैं बाय चांस भी बैठा रहा और ये 350 पे एक्सपायर हो गया तो मेरे को ये पूरा 8,000 का प्रॉफिट देना पड़ जाएगा। तो टू गेन इसमें मेरे हिसाब से, मेरे व्यू के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल यहाँ से मैं 2-3-4-5 हज़ार रुपये ही मिस कर पाऊंगा, ठीक है। बट अगर ये 7-8 हज़ार चले गए तो वो सही नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि ये ट्रेड मेरे को 10,000 प्रॉफिट देने वाला ट्रेड था जिसको मैंने एडजस्ट कर करके ऐसे एक जादूगर सी बना दी छड़ी में, ठीक है। देखो ये 17,600 17,800 वाला स्प्रेड थी जिसको एडजस्ट कन्वर्ट कर करके ऐसा बना दिया मैंने, बट देखते हैं। चलो मोस्ट प्रोबेबली इसको मैं लॉक कर लूंगा यार, 9,000-8,700 पे लॉक करना मेरे हिसाब से सेंस बनती है, ठीक है। बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ, देख रहा हूँ तो 12 बजे तक देख रहा हूँ क्या होगा, फिर बताऊँगा आपको जो भी होगा। टाइम इज अबाउट 12:11 और देखो मार्केट में अभी एक सस्पिशियस सी वॉल्यूम सी आई यहाँ पर, ठीक है। उसका थोड़ा सा स्विफ्ट अप मूव और फिर ये देखो ये कैंडल है 400 से 20 पॉइंट की है, लेकिन पूरी ग्रीन बन रही थी और एकदम से रेड बन गई आखिरी मिनट पर। तो थोड़ी सी छोटी सी एडजस्टमेंट करी है। अगर ये देखो पुट को ऊपर लाया हूँ, पहले 400 क्वांटिटी लाया था फिर 800 करी और सारी पुट्स 250 से 300 पे आ गई और 350 से 450 एक 800-800 की स्ट्रैडल टाइप बन गई, समझ लो आप ट्राइंगल बन गई, ठीक है। तो ये रेंज चल रही। टाइम इज अबाउट 12:44 और ये तो बुक कर ली मैंने, ये जो 9,000 रुपये, ठीक है। और ठीक है इसमें दुख नहीं होगा मुझे अब कुछ भी हो, बट मार्केट इसी रेंज के अंदर फंसी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो सेलिंग आ रही है 400 पे, 350 पे बायर्स बैठे हैं, तो इट कुड हैपन कि यहीं पे एक्सपायर हो जाए हम,
बट एक्सपायरी है एज ऑलवेज, सारी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है कि एक साइड का मूव अप दे मार्केट, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मूव ना भी आए, क्योंकि सारे हीरो जीरो लेके बैठे रहते हैं ऑप्शन। कोई 400 कॉल बाय करके बैठा है, कोई 350 की पुट बाय करके बैठ जाता है कि डबल ट्रिपल कर लूंगा। तो बीच बीच में ऐसे दिन जरूर आएंगे जिस दिन कोई मूव ना है, ताकि वो सारे लोग एक बार साफ होते जाएं। ठीक है कि भाई लोगों को कम करना जरूरी है, सारी दुनिया पैसे नहीं कमा सकती। करंटली हमारी पोजीशन कोई इस तरह चल रही है और ये लैग होने, तो टाइम इज अबाउट 3 बज रहे, 3:05 नहीं, और 80 पैसे 50 पैसे बचे हैं स्प्रेड में। ठीक है, क्लोजिंग एट अबाउट इंट्राडे क्लोज जो होगा वो नेट होगा 18,000 पे, और ये दोनों जीरो होंगे। टाइम इज अबाउट 3:22, तो नेटेड अबाउट इंट्राडे के अंदर इज 18,000, ये 19 दिखा रहा है बट 18 है, और 18,500 है। और उसके बाद ये वाला, ये वाली जो मैंने आपको बोला था कि मैंने अर्ली बुक कर लिया 9,000 पे, ये 6,500 पे क्लोज होता, तो सही डिसीजन हो गया। रफली 27,000 फॉर द डे। ठीक है, और कॉलिंग इट अ डे हियर। मेरे हिसाब से बढ़िया दिन था, 1%। मार्केट इतनी मुश्किल नहीं थी, बीच में एक दो स्पाइक्स मेरे को ले गई, अगर वो नहीं लेके गई होती स्टॉप लॉसेस तो अराउंड आधा परसेंट या फिर उससे थोड़ा सा 5-7 हज़ार रुपये और बन सकते थे। बट ठीक है, कुछ रिग्रेट्स तो नहीं है, बड़े अच्छे से मैनेज करा पोजीशन। सिर्फ एक ही बार MTM रेड में गया था, वो था सुबह, उसके अलावा एक बार भी नहीं गया। ठीक है, तो ठीक है, अब कल देखते हैं कल क्या होगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग और